तो मैं हिंदी बेल्ट पे आती हूँ जो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में एक नई जान आ गई है जब से केजरीवाल आए हैं। उनका नैरेटिव थोड़ा अग्रेसिव हो गया, क्या ये आप मानते हैं? अभी तो वो कोई अलग इश्यू में ही फंसे हैं, थोड़ा इनको फ्री हो जाने दीजिए, बाद में देखो क्या होता है। पर वो जिस इशू में फंसे हैं वो राज्यसभा की मेंबर हैं स्वाति देखिए, जी। मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर कोई पुलिस को कंप्लेन करता है तो पुलिस उसका संज्ञान देगी, मगर मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको बेचारे को जिस इश्यू में फंसे इससे निपटारा लाने दीजिए, काहे को ये सब में उलझाती है। पर वो है ना, 20 दिन और बाहर है। उन्होंने कहा है कि मगर अगर इश्यू अभी तो चल रहा है ना, देखिए कितना चलता है। वो कैंपेन में तो कह रहे हैं कि अगर झाड़ू पे वोट लगेगा तो उन्हें जेल जाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए तो मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से कंटेम्प्ट है। इनका कहने का मतलब है जो विजयी होता है सुप्रीम कोर्ट उनको दोषी होने के बावजूद भी जेल नहीं भेजती। अब जिन जज साहबों ने उनको जमानत दी है उनको ये सोचना है कि उनके जजमेंट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। आप उस जजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने इतने कैमरा लगाए हुए थे, पीएमओ तक में कैमरा का एक फीड जा रहा था, वो सब देख रहे थे कि ये केजरीवाल जी टूटते हैं कि नहीं, और वो कह रहे हैं कि मैं टूटा नहीं हूं और वो बीजेपी मेरे से इतना डर कैमरा लगाए हैं। तिहार में, तिहार उनके पास है, हमारे पास नहीं है। ये कंटिन्यूअसली झूठ बोलते हैं। जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के हाथ में, केजरीवाल जी के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में नहीं है। पर वो मतलब दिन में कम से कम 3 बयान आते हैं केजरीवाल जी से, और उन्होंने इंडियन अलायंस का नैरेटिव कब्जा कर लिया, क्योंकि वो कहते हैं पहले कि प्रधानमंत्री फुल टर्म नहीं रहेंगे तो मोदी की गारंटी नहीं, वो अमित शाह जी की गारंटी बन जाएगी क्योंकि कमान आप संभालेंगे। चलिए आप इतने सीरियसली ले रहे हैं, वो सिर्फ 22 सीट लड़ रहे हैं देश में, इतना सीरियसली मत लीजिए। सिर्फ 22 सीट लड़ रहे हैं और वो गारंटी दे रहे पूरे देश का मैं बिजली का बिल माफ कर दूंगा। अरे भैया तुम 22 ही सीट लड़ रहे, तेरी सरकार कहां से बनेगी? हम मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे। और मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूं, फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, 29 तक मोदी जी ही रहेंगे और केजरीवाल आपके लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। 29 के बाद भी मोदी जी ही हमारे चुनाव अभियानों का नेता है, उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे।